गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन या इम्बैलेंस के अंदर चार तो हमने पढ़ लिए थे, सोडियम की कमी और सोडियम की अधिकता, कैल्शियम की कमी और कैल्शियम की अधिकता। जो नेक्स्ट हमारा जो अधिकता और कमी वाला इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सा है? पोटेशियम। आपको याद हो पोटेशियम का सामान्य वॉल्यूम या द्रव कितना होता है, सामान्य दर कितनी होती है? 3.5 से 5.1 मिली इक्विलेंट। समझ में आ रहा है? अगर हम पोटेशियम की नॉर्मल बात करें तो कितना होता है? 3.5 टू 5.1 मिली इक्विलेंट पर लीटर। ये क्या होता है? नॉर्मल पोटेशियम का लेवल है। अब इस नॉर्मल पोटेशियम के लेवल में अगर कमी आ गई है तो उसको आप क्या बोलते हो? हाइपोकैलेमिया। कैलेमिया का मतलब पोटेशियम से रिलेटेड है। अगर पोटेशियम के स्तर में 3.5 से कमी आ गई है तो उसको आप क्या बोलते हो? हाइपोकैलेमिया। इसके भी कारण वही है, कुशिंग सिंड्रोम, दस्त ज्यादा लगना, वॉमिटिंग ज्यादा आना, आहार में पोटेशियम है वो कम लेना। अच्छा, इसमें कौन कौन से अनाज आते हैं ना, आपके अनाज होगी, दालें हो गई, अखरोट हो गया, बादाम हो गए, समझ में आ रहा है? ये ऐसी चीजें होती हैं जिनके अंदर क्या होता है? पोटेशियम ज्यादा होता है। यहाँ बनाना, केला है, केले में सबसे ज्यादा पोटेशियम होता है। नारियल पानी है, नारियल पानी के अंदर, कोकोनट होता है, कोकोनट के अंदर क्या होता है? सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। तो वो बंदा जो खाद्य पदार्थों में क्या ले रहा है? कैल्शियम कम ले रहा है तो भी क्या हो सकता है, सॉरी पोटेशियम कम ले रहा है तो भी क्या हो जाएगा? हाइपोकैलेमिया। समझ में आ रहा है? खाद्य पदार्थों में कम मात्रा में क्या लेना? पोटेशियम लेना। अगर मेटाबॉलिक कंडीशन आ गई हो, अरे अगर पाचन क्रिया है गड़बड़ा जाती है किसी भी कारण से, बाई बाई कार्बोनेट ज्यादा हो गए, ये सारी चीजें, इनका एक अलग टॉपिक आएगा, हम बाद में डिस्कस करेंगे। डायुरेटिक और कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसी दवाइयां आपने अधिक मात्रा में ले ली, अगर बहुत लंबे टाइम से आप क्या करवा रहे हो, स्टमक को खाली करवा रहे हो, ट्यूब डाल डाल के पेट खाली करवाया जा रहा है, और अगर किडनी क्या कर रही है, उसका सोडियम का पुनर्अवशोषण नहीं कर पा रही है, किडनी सोडियम का पुनर्अवशोषण नहीं कर पा रही है, तो ये सारी सिचुएशन किसमें आती है? हाइपोकैलेमिया के अंदर। कि हाइपोकैलेमिया क्या हुआ? लेवल है वो 3.5 से कम हुआ। क्यों हुआ? आपने खाने में कम लिया, आपकी किडनी ने उसका अवशोषण नहीं किया, आप अपने पेट को, स्टमक को क्या कर रहे हैं, बार बार ट्यूब डाल डाल के, प्रॉब्लम हो गई तो बार बार ट्यूब डाल डाल के उसको खाली करवा रहे हो, तो खाली करवाओगे तो पोटेशियम भी उसके साथ में बाहर निकलेगा, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है वो बाहर निकलते निकलते हैं। खाने में कम के साथ में आपने क्या लिए? ऐसी दवाइयां ले ली जो क्या कर रही है? पोटेशियम को बाहर निकालने का काम कर रही है। अगर उल्टी दस्त ज्यादा हो गए हैं तो ये सारे ऐसे कारण होते हैं जो क्या करवा सकते हैं? हाइपोकैलेमिया करवा सकते हैं। अब अगर इस हाइपोकैलेमिया के अगर लक्षणों की बात करें तो यही आता है कि इंसान को क्या होती है? थकान होती है। अरे थकान हो जाती है, कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, समझ में आया? थकान होना, कंफ्यूज होना, और आपका जो अल्ट्रेशन है वो खराब हो जाती है, अल्टर्डनेस आ जाती है रे आपके माइंड में, माइंड अल्ट्रेशन। माइंड अल्ट्रेशन मतलब आपके दिमाग में क्या हो जाता है? असंतुलन बन जाता है रे, वो प्रॉपर तरीके से उसमें संतुलन नहीं बना पाता है, नंबनेस आ जाती है, मांसपेशियां भी यहाँ पे भी क्या हो जाती है? मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। क्या? मांसपेशियां यहाँ पे भी क्या हो गई? कमजोर हो गई। मांसपेशियां क्या हो गई? कमजोर हो गई। समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी यही उल्टी हो गए, दस्त हो गए, मसल्स आपकी वीक हो गई है, ठीक है, मसल्स क्या हो गई? कमजोर हो गई है। तो ये सारे चीजें क्या आते हैं? प्रॉब्लम करते हैं। बाकी आपके हार्ट पे ये सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। कौन? कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है? आपके हार्ट पे सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, और वहां पे भी क्या आ जाती है? हार्ट में भी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है।
समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक, सोडियम से ज्यादा खतरनाक प्रॉब्लम है। कौन सी? कैल्शियम, पोटेशियम वाली, पोटेशियम वाली एक सिचुएशन है वो ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि ये हार्ट पे डायरेक्टली क्या करती है, इफेक्ट डालती है। समझ में आ रहा है, हार्ट पे ज्यादा इफेक्ट डालने की वजह से प्रॉब्लम वहां पे आना स्टार्ट हो जाती है। इज दैट क्लियर? ये सारी चीजें क्या होती हैं, क्या होती है भाई, सारी चीजें हाइपोकेलीमिया के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो ये आपको सिम्टम्स या लक्षण समझ में आए? अरे एक जैसे सिम्टम्स लक्षण होते हैं सबके देखा जाए, बट कुछ कुछ उसमें डिफरेंस देखने को मिलते हैं। ये सबसे ज्यादा किस पे प्रभाव डालेगी? हार्ट पे, हार्ट पे डालेगी। तो जो धड़कन होती है दिल की, हार्ट की, वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाती है। जो पल्स रेट होती है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। मिल, कई बार तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि पल्स मिलती नहीं है, इतनी कमजोर, वीक हो जाती है। दिल धड़क तो रहा है बट महसूस नहीं हो रहा है, इतनी वीक पल्स, कमजोर पल्स उसको देखने को मिलती है। और कई बार तो ब्रेडीकार्डिया इतना ज्यादा होता है कि पल्स रेट है वो क्या हो जाती है, एकदम से कम हो जाती है, 50 से भी नीचे चली जाती है। तो ये क्या करती है, खतरनाक इसलिए है क्योंकि डायरेक्टली किस पे प्रभाव डालती है, हार्ट पे। इज दैट क्लियर? ये सारी चीजें क्या हो गई, हाइपोकैल्सीमिया। मैनेजमेंट हम इसका कैसे करते हैं? मैनेजमेंट भी वही चीज है भाई, सप्लीमेंट्री थेरेपी देते हैं जिसमें क्या हो, पोटेशियम हो। रोगी को बोलो कि आप वो चीजें खाओ जिनके अंदर क्या हो, पोटेशियम हो। अरे अनाज वनाज खाना, दाल खाना, अखरोट खाना, बादाम खाना। भाई अखरोट बादाम तो हर किसी के बस की बात नहीं है, बट दाल वाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, केले, संतरे, मूंगफली, गाजर, ये सारी चीजें तो वो इंसान खा ही सकता है। समझ में आ रहा है भाई, गाजर हो गई, मूंगफली हो गई, दाल हो गई, हरी सब्जियां हो गई, केला हो गया, संतरे हो गए, टमाटर, मतलब इन चीजों के अंदर कैल्शियम क्या, पोटेशियम क्या होता है, ज्यादा होता है। तो वो अखरोट बादाम तो ना खाए बट ये चीजें तो खा ही सकता है, मूंगफली तो खरीद के खा ही सकता है क्योंकि मूंगफली में भी पोटेशियम होता है। तो सामान्य बनाए रखने के लिए उसको क्या कहा जाता है, हम पोटेशियम थेरेपी देते हैं। और सीवियर केसेस के अंदर पोटेशियम थेरेपी सप्लीमेंट्री दी जाती है, जिसके अंदर दो दवाइयां आती हैं, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम ग्लूकोनेट। तो समझ में आया, पहले तो हम ओरली दे देते हैं भाई पोटेशियम सप्लीमेंट्री, अगर सिचुएशन थोड़ी कम खराब है, पर अगर ज्यादा खराब हो गई, गंभीर मामले में चली गई है, तो उस दौरान हम लोग आईवी लाइन से केनुला लगा के हम उसको क्या करेंगे, ये दवाइयां देंगे। यही दवाई हम ओरली भी दे देंगे बट सिचुएशन ठीक हो तो, कम खराब हो तो, पर अगर खराब ज्यादा हो गई है, गंभीर प्रॉब्लम हो गई है, तब इन दवाइयों को हम लोग किसके थ्रू देते हैं, आईवी लाइन के थ्रू उसको दिया जाता है। ये सारा क्या हो गया, मेडिकल मैनेजमेंट। बाकी डॉक्टर उसको यही कहता है, खाने पीने में वो चीजें खाओ जिनमें पोटेशियम ज्यादा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, हाइपर कैल्सीमिया की, हाइपर, सॉरी कैल्सियम, बार बार कैल्सियमिया निकल रहा है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे कंडीशन क्या है, हाइपर कैलीमिया, कैलीमिया, कैलीमिया का मतलब पोटेशियम। जहां पोटेशियम 3.5 से कम था उसको आपने हाइपो बोल दिया, यहां 5.1 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, क्या बोल दिया, हाइपर कैलीमिया। कारण क्या है भाई, उसका उल्टा ले लो ना, यहाँ पे पोटेशियम ज्यादा ले रहे हो आप लोग, वो खाद्य पदार्थ ज्यादा खा रहे हो, एडिशन नाम की बीमारी हो गई है इसको। एडिशंस नाम की बीमारी के अंदर क्या होता है, एडीएच हार्मोन बनता है, और वो एडीएच हार्मोन क्या करता है, पोटेशियम नाम के, जैसे मतलब सोडियम वगैरह इनको तो बाहर निकाल देगा और पोटेशियम को क्या कर देगा, अंदर रख लेगा। अब ऐसे मान लो ना, एल्डोस्टिरोन, एल्डोस्टिरोन हार्मोन पता है ना आप लोगों को, ये एल्डोस्टिरोन क्या हो गया, कम कम हुआ, तो सोडियम तो बाहर निकल ही जाएगा, पोटेशियम अंदर रह जाएगा। भाई एल्डोस्टिरोन का काम क्या था, अगर वो ज्यादा है तो सोडियम अंदर रखेगा ज्यादा। अब यहाँ एल्डोस्टिरोन इस बीमारी में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब अगर यहाँ पे एडिशन में एल्डोस्टिरोन हार्मोन का लेवल कम हो गया, तो
तो भाई सोडियम नहीं रुकेगा अंदर, कौन रुकेगा? पोटेशियम। सोडियम तो बाहर निकल जाएगा। सोडियम को रोकने का काम है इस हार्मोन का। बढ़िया, हार्मोन ऑलरेडी कम है तो ये क्या होगा, पोटेशियम अंदर रह जाएगा। क्या होगा? पोटेशियम ज्यादा रहेगा कहां पे, बॉडी के अंदर, और सोडियम निकल जाएगा। किडनी फेल हो गई हो, एसिडोसिस है, मतलब ज्यादा हमारी बॉडी में अम्ल बन रहा हो, शरीर में क्या हो गया, निर्जलीकरण आ गया हो, बंदा शॉक में चला गया हो, और यूरिन मतलब जो भी आपका ब्लड है, ब्लड में यूरिन है वो ज्यादा आ गया हो, समझ में आ रहा है? हाइपर यूरिसीमिया का मतलब क्या होता है, ब्लड के अंदर यूरिन, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन का लेवल, वेस्ट मटेरियल का लेवल ब्लड के अंदर या खून के अंदर ज्यादा मिलना, और वो डायुरेटिक लेना जो क्या करता है, पोटेशियम को अंदर रोक के रखता है। पोटेशियम स्पेरिंग, स्पेरिंग का मतलब होता है बांध के कहां डाल देगा, वापस ब्लड में, बाहर नहीं जाने देगा। कुछ तो डायुरेटिक ऐसी होती है जो अपने साथ बांध के बाहर लेके जाती है, बट कुछ ही ऐसी होती है जो क्या करती है, उनको एक जगह इकट्ठा किया और वापस ब्लड में भेज देंगी, अपने साथ नहीं लेके जाएंगी। तो वो स्पेरिंग डायुरेटिक, वो पोटेशियम डायुरेटिक जो क्या करती है, पोटेशियम को अपने साथ नहीं बांधती है, उन दवाइयों का आप क्या करो, ज्यादा यूज कर रहे हो तो ये दवाइयां क्या करती है, पोटेशियम का लेवल बढ़ाती है। तो कारण क्या क्या हो गया, खाद्य पदार्थ वो ज्यादा लिए जिसमें पोटेशियम ज्यादा था, एल्डोस्टेरोन की कमी आ गई, किडनी फेल हो गई है, डिहाइड्रेशन आ गया है, ये डायुरेटिक आपने वो ज्यादा ले ली जो पोटेशियम को बाहर नहीं निकाल पा रही है, ये सारी सिचुएशन क्या करती है, हाइपरकैलेमिया। इज दैट क्लियर कि हाइपरकैलेमिया किस किस की वजह से आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर इस हाइपरकैलेमिया के अंदर हम इसके लक्षणों की बात करें तो यही चीजें इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन सी भाई, यहाँ पे भी वही लक्षण है जो इसके आ रखे थे, किसके आ रहे थे, हाइपोकैल्सिमिया, बस थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे भी वही दस्त होंगे, उल्टियां होंगी, मसल क्रैम्प्स आएंगे, मतलब आपकी जो मसल्स होती है उनमें क्या आ जाती है, क्रैम्प्स। क्रैम्प्स का मतलब होता है एंटन होने लग जाती है, दर्द होगा, एंटन आएगा, ऐसे लग रहा है कि ऐसे, अरे हम बोलते हैं ना कि भाई मेरे तो पैरों में शणक चल रही है, शणक का मतलब क्या होता है, क्रैम्प्स ही तो होता है। अगर एब्डोमेन में आ रहे हैं तो वो क्रैम्प्स कैसे होते हैं, मरोड़ों के रूप में, ऐसे बोलेंगे मरोड़े आ रहे हैं भाई इसको, अरे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में यही बोलते हैं, समझ में आ रहा है, बाकी तो क्रैम्प्स ही बोले जाते हैं कि क्रैम्प्स आ रहे हैं। बाकी हाथ पैरों में जब आते हैं तो हम यही कहते हैं कि भाई क्या आ रखे है, शणक चल रही है मेरे तो पैरों के अंदर, तो वो क्या हो गई, क्रैम्प्स हो गई। किसकी वजह से, अगर पोटेशियम है वो ज्यादा बनेगा। यहाँ पे भी क्या होगा, हार्ट के अंदर स्लो एंड वीक पल्स, भाई धीरे और एकदम से कमजोर हार्ट बीट आपको सुनाई देगी, समझ में आया। कई कई बार तो हार्ट क्या करता है, डिसअरिथमिया में चला जाता है, समझ में आ रहा है, मतलब हार्ट की रिदम क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अगर सीवियर केसेस हो हाइपरकैलेमिया के तो हार्ट के अंदर क्या हो जाती है, रिदम है वो बंद हो जाती है, समझ में आ रहा है। ये क्या होते हैं, उसके लक्षण होते हैं, नॉर्मल वही है, बाकी सारे उसी के अंदर आएंगे। बट अगर कंडीशन देखी जाए तो मैंने बताया था, तो पोटेशियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जो सबसे ज्यादा किस पे प्रभाव डालती है, हार्ट के ऊपर प्रभाव डालती है, बाकी वही सारी है, दस्त, उल्टियां, बेचैनी, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम। इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, हार्ट से रिलेटेड, या तो पल्स रेट है वो धीरे फील होगी, धीरे चलेगी, और एकदम से वीक, कमजोर फील होगी। और कई बार सिचुएशन है जाती है कि कार्डियक डिसअरिथमिया हो जाता है, रिदम है वो हार्ट की, दिल की बंद हो जाती है, और अरेस्ट भी हो जाता है। कई बार सिचुएशन ऐसा आ जाती है कि हार्ट फेल भी हो जाता है, समझ में आया। ये क्या हो गए, लक्षण हो गए किसके, हाइपरकैलेमिया के। इसका अगर हम मैनेजमेंट देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या होता है, हम रोगी को वो खाद्य पदार्थ खाने को नहीं देंगे जिनमें क्या हो, पोटेशियम। तो हमें उसको एडवाइस करनी है कि खाद्य पदार्थ कम खाओ जिनमें क्या हो,
पोटेशियम ज्यादा हो, वो खाद्य पदार्थ उसके कम के जाते हैं, मूंगफली वगैरह, दाल वाल वगैरह, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सारी चीजें उसकी बंद कर दी जाती है, सेवन कम करवाया जाता है मतलब ये। और पोटेशियम को कम करने के लिए हम उसको आईवी इन्फ्यूजन, क्या ग्लूकोज और इंसुलिन देते हैं। ये ग्लूकोज और इंसुलिन दिया जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट दिया जाएगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाएगा, पोटेशियम को बाहर निकालने वाली डायुरेटिक्स भी दी जाएंगी। समझ में आ रहा है? पोटेशियम को बाहर निकालने वाले डायुरेटिक देते हैं, इसको हम नहीं देंगे, पोटेशियम स्पेरिंग डायुरेटिक उसको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये तो वो है जो पोटेशियम को रोक के रख रही है अंदर, तो हमें तो वो डायुरेटिक देनी है जो पोटेशियम को क्या करे, बाहर निकाले। बाकी ग्लूकोज, इंसुलिन, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट और ये जो डायबिटिक्स होते हैं वो हम उसको देंगे, और जिसकी वजह से क्या हो, उस इंसान के अंदर जो कैल्शियम का, पोटेशियम का लेवल ज्यादा हो रखा था, वो क्या हो जाए, वापस संतुलन में या बैलेंस में आ जाए। ये सारे क्या थे, हाइपर और हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया अगर 3.5 से कम लेवल हो और हाइपर 5.1 से ज्यादा, अगर कम हो गया तो भी हार्ट पे वो खतरनाक प्रभाव डालेगी, ज्यादा हो गया तो भी इतना खतरनाक प्रभाव डालती है कि कई बार हार्ट है वो फेल भी हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, अरेस्ट आ जाता है, रुक जाता है, हार्ट काम करना बंद कर देगा। समझ में आ रहा है? दोनों में, हाइपो वाले में तो हम उसको वो खाने को देंगे जिसमें पोटेशियम ज्यादा हो, वो दवाइयां देंगे जिनके अंदर पोटेशियम ज्यादा हो, यहां हम वो दवाई देंगे जिसमें क्या होता है, पोटेशियम है वो कम करने की क्षमता हो। समझ में आ रहा है? पोटेशियम को कम करने वाली दवाइयां देंगे और दूसरा उसको वो खाना खिलाएंगे जिसमें क्या होता है, पोटेशियम कम हो। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजें क्या हो गई, हाइपर और हाइपो, मतलब कमी और ज्यादा हर एक इलेक्ट्रोलाइट की, ये तीन ही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम। सोडियम की भी कमी और अधिकता पढ़ ली और उसका उपचार पढ़ लिया, पोटेशियम की भी कमी और अधिकता के साथ साथ उसके लक्षण और ट्रीटमेंट पढ़ लिए, और कैल्शियम की भी अधिकता और कमी सब पढ़ लिए। आई थिंक आपको ये यूनिट, ये टॉपिक समझ में आया होगा, इसको आराम से घर बैठ के अपने नोटबुक में उतार के अच्छे से उसको पढ़ना, हर एक चीज आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।